हेलो बच्चों, आज ये सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो आपके सामने, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। पहला तो ये है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ये कंसंट्रेशन सभी चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जबकि दूसरे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर को चेंज करने पर ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगे। तो इसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन बोलेंगे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, या हम इसी को दूसरा भी लिख सकते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन। मतलब इनके फार्मूलों में आप देखेंगे कि जो हम फार्मूला बनाएंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जरूर होगा। तो जब इसको हम वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन बोलेंगे तो इसे हम बोल देंगे मास, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन, मास रिलेटेड रिलेटेड कंसंट्रेशन, इसको हम मास रिलेटेड कंसंट्रेशन बोलेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट में परसेंटेज वाई, डब्ल्यू वाई वी, डब्ल्यू वाई वी का मतलब मास वाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाई वॉल्यूम होगा, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, फॉर्मलिटी है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, डब्ल्यू वाई वी एंड मास वाई वॉल्यूम, या वी वाई वी वॉल्यूम वाई वॉल्यूम होगा। जबकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चार प्रॉपर्टीज हैं कंसंट्रेशन है, जिसमें परसेंटेज वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू यानी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और पीपीएम है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू यानी मास बाई मास। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, इस कंसंट्रेशन को वन बाई वन करके हम आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, और बहुत सारी इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी। तो देखिए वन बाई वन करके अब आप समझ गए हैं कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे सबसे पहले हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन को उठाया, मास परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 से, मतलब इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने अमाउंट, क्योंकि ये मास बाई मास यानी सॉल्यूशन के अमाउंट को भी मास में और वेट में, और इसके बाद जो सॉल्यूट है उसका भी मास ग्राम में हम लोग यूज करेंगे। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये परसेंटेज बाई डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम लिख सकते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। हम इसको मास परसेंटेज बोल सकते हैं, यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी लाइन से, डिफिनेशन से हम लोग फार्मूला बना लेंगे, क्या बन जाएगा?
मास परसेंटेज दिस इक्वल टू, या परसेंटेज बाई डब्लू बाई डब्लू दिस इक्वल टू हो जाएगा मास एब्सोल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला बन के, क्योंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिया। अच्छा एक चीज और समझिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट ये प्योर अमाउंट होगी, और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ये कंबाइंड है, तो इसका मतलब इम्प्योर अमाउंट। तो एक हम नया फार्मूला यहां पे जनरेट कर सकते हैं कि प्योर अमाउंट सॉल्यूट की जो प्योर होगी, प्योर अमाउंट इनटू 100 अपॉन इम्प्योर अमाउंट। हम इस तरीके से भी मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज वो प्रॉपर्टीज है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। अगर टेम्परेचर ऑफ चेंज करेंगे तो मास परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी मास परसेंटेज पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस फार्मूले पे, तब बात पूरी क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं इसी मास परसेंटेज पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंटेज। हम लोग जानते हैं कि मास परसेंटेज दिस इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 हो गया, इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हम बोलने पड़ा फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या, 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 100 हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया और ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट है। और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 110 हो गया, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो यहां 110 रख दिया, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 मर गया, यहां पे 1100 अपॉन 11 9.09%, दिस इज मास परसेंटेज। इसका मतलब ये हो गया कि 9.09 ग्राम सुक्रोस 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। वही बात आ गई जो डिफिनेशन में समझा रहे थे सर। डिफिनेशन का मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है,
वही देखिए यहाँ पे दिया था, तो 100 ग्राम में हमें पता चल गया कि 9.09 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। आ गया समझ में सब लोगों को कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज लिख दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये देखिए अब जैसे इसी न्यूमेरिकल में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो इस तरीके से लग जाएगा। यही न्यूमेरिकल है, पूरा सेम है। या और देखिए जैसे बोल दिया हमने कि 10 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। फाइंड मास ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। तो देखिए ये 100 ग्राम, 10 ग्राम सुक्रोज है तो ये सॉल्यूट हो गया 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन दिया हुआ, इसका मतलब यहां पर हम 100 लग देंगे क्योंकि सॉल्यूशन के अमाउंट हमें दी हुई है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो मर गया, ये आपका आ जाएगा कितना 10%, आंसर 10%। वो तो 10% कह ही रहा है, यानी 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और जितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है उसी को मास परसेंटेज करते हैं। तो देखिए वही 10% सुक्रोज की मास परसेंटेज आ गया। अगर इसी में यहां पर यही न्यूमेरिकल बना दें और इसी जगह हम 100 ml सॉल्यूशन कर दें, 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। तो अब यहां पर हमें डेंसिटी पता होना चाहिए क्योंकि अब ये 100 ml सॉल्यूशन दिया है, तो यहां पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया इफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दे दिया है 1.5 ग्राम पर ml। देखिए ये दे दिया 100 ml दे दिया 100 ml सॉल्यूशन में, तो फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 ग्राम पर ml। हमारे पास फार्मूला तो ये है, फार्मूला में तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लेकिन यहां तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, तो अब हमको डेंसिटी की जरूरत पड़ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ 10 ग्राम, 10 लिख दिया, 100 है तो 100 लिख दिया। ये मास ऑफ सॉल्यूशन एक रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा है, मास दिस इक्वल टू होता है डेंसिटी और मास में रिलेशनशिप में एक रिलेशन होता है, मास दिस इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू आप लोगों ने मास अपॉन वी पढ़ा होगा। ये एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है 100, और यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो 100 दिया हुआ है, डेंसिटी 1.100 ml दिया है तो 100 ml कर लिया, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, तो ये ml से ml कैंसिल आउट हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ग्राम ये सॉल्यूशन हो गया।
यहाँ पे 150 रख देंगे, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 150, क्योंकि डेंसिटी से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। 0 से 0 खत्म हो गया, 100 अपॉन 50 9.99, इस तरीके से ये परसेंटेज आ गई। क्या था, 100 ml दिया था, तो 100 ml को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर डेंसिटी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरा न्यूमेरिकल हम आपको और इसी में रिलेटेड कर रहा हूँ। जैसे मान लो किसी न्यूमेरिकल में हमें दे दिया ए सोल्यूशन ऑफ 90% 10% लिख देता हूं, 10% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 10% W/W फाइंड मास ऑफ H2SO4 इन 100 100 ml सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर एमएल, ये देखिए ये है ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 10% W/W फाइंड मास ऑफ H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर एमएल। हम लोगों पास फार्मूला है, मास पूछ रहा कि 100 ml सॉल्यूशन में H2SO4 के कितना मास है, कितनी अमाउंट डिसॉल्व है 100 ml में, जबकि या 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम है, ये प्योरिटी है, प्योर परसेंटेज है, प्योर अमाउंट। तो मास परसेंटेज दिस इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास परसेंटेज H2SO4 की दी है 10 रख दिया, देखिए मास परसेंटेज दिया है, मास परसेंटेज W/W इसका मतलब 100 में 10 ग्राम है, वो मास परसेंटेज हो गई। अब मास ऑफ सॉल्यूट इसी को फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी प्योर अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है ये। अब मास ऑफ सॉल्यूशन वही बात फिर आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वल टू वी इंटू डी, ये वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ये सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी, तो वॉल्यूम हो गया 100, डेंसिटी दी है देखिए 100 ml, वो 100 ml रख दिया, डेंसिटी 1.2 रखा, ये हमारे पास 120 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम अपॉन ml, ये ग्राम ml, ml से ml कैंसिल, तो ये फिर 120 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी मास ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे फिट कर देंगे तो 10 आया, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन 120 आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 120 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया 0, यहाँ पे 12 ग्राम H2SO4 इसमें डिसॉल्व होगा, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 12 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व होगा।
तो डेंसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले कंसंट्रेशन को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को टेम्परेचर डिपेंडेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली को अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले कंसंट्रेशन में इंटरचेंज करना हो, बदलना हो, तो उसके लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मास परसेंटेज क्या है और उस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी में, परसेंटेज वाई मास वाई वॉल्यूम। अब देख लीजिए, परसेंटेज इसे जरा देख लीजिए, इसमें दूसरी बात आएगी कौन सी, सेकंड पॉइंट नीचे लिख देता हूं। यहां पे परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है। यानी 100 ml सॉल्यूशन, वहां 100 ग्राम था, यहां ml हो जाएगा। सेम डिफिनीशन है, बहुत सिंपल वे में दिखा रहा हूं। सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड पर हंड्रेड एमएल ऑफ सोल्यूशन, पर 100 एमएल ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी। हम इसे डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। तो डी फार्मूला क्या इससे बनेगा, देखिए आप लोग, इसमें जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी दिस इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, जैसा कि लिखा हुआ है, इंटू 100 अपॉन नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यानी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, कंसंट्रेशन है, यानी टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो इसका मतलब परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने पर। तो ये बहुत ही सिंपल है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी, इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। देखिए आइए इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेता हूं, इस फार्मूले से किस तरीके से न्यूमेरिकल बनेंगे देखिए। जैसे क्वेश्चन बनाया कि 10 ग्राम एन ए ओ एच डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज बाई डब्ल्यू बाई वी, ये परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये लिख देता हूं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। जिसे मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम एनएओएच 10 ग्राम हो गया 1000
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 200 ml हो गया, ओ एम एल ही चाहिए हमें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 5% आ गया, तो उसे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज आ गया आपका 5। ये परसेंटेज कौन है? W बाई V। इसका मतलब 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। अब जैसे इसी नमरकल में यहाँ पे हम 100 ग्राम दे देते, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दे देते और फाइंड परसेंटेज बाई W बाई V। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम में अमाउंट और हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे डेंसिटी पता होना चाहिए, बिना डेंसिटी के आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे डेंसिटी है, मान लिया कि इफ डी फॉर सॉल्यूशन दिस इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml, ये हमने दे दिया। अब हमने कहा ये जो है फाइंड आउट करें, तो ठीक है कोई बात नहीं, 10 ग्राम है, 10 ग्राम आप रख देंगे। वही न्यूमेरिकल उसी प्रकार से देखिए क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट कितनी है, 10 रख दिया, 100 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया क्या है, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया, तो हमारे पास वही फिर बात आई क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन दिस इक्वल टू वी इंटू डी होता है, तो वी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डी हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम, डेंसिटी 1.5, ये आपका ग्राम में हो गया, ये ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 अपॉन 1.5, ये ml आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वो चीज हम यहाँ पे रखेंगे 200 अपॉन 1.5, इस तरीके से ये चीज हो गई। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमारे पास W बाई V परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज W बाई V। इस तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।